सत श्रीकाल, फास्ट न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत कर दी फटाफट अंदाज दे विच। बीते दिनी आबूधाबी विच होए अतवादी हमले विच पंजाब दे दो जवानों की मौत हो गई। उन्होंने एक अमृतसर का ही रहने वाला शख्स ते दूजा मोगा का रहने वाला सी। दोहां दी मृतक देहां अमृतसर दे एयरपोर्ट ते पहुंचियां। इस मौके मृतक दे परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि हरदीप सिंह अप्रैल महीने विच ही इत्थों व्याह करवा के आबूधाबी पैसे कमाउण लई गया सी, जिथे ओह ड्राइवर का काम करता सी। 17 तरीक नूं उत्थे अतवादी हमला होया जिस विच उसदे भरा की मौत हो गई। नाल ही उन्होंने दस्सिया कि आबूधाबी की सरकार ने उन्हों का पूरा साथ दिता है ते उन्हां दे भरा की मृतक देह नूं अजमेर एयरपोर्ट ते लिआंदा गया। उत्थे पुलिस का कहना है कि दोवें नौजवानों दीआं मृतक देहां नूं उन्हां दे परिवार के हवाले कर दिता गया। पांच सूबियां विच विधानसभा चोणां नूं लै के भाजपा अंदर लगातार बैठकां दा सिलसिला जारी है। पार्टी ने गोवा उत्तर प्रदेश सने कई जगह ते टिकटां दा ऐलान कर दिता है, पर पंजाब नूं लै के अजे भी उम्मीदवारां दे नामां दा ऐलान नहीं हो सकिया। इस कारण पंजाब विच भाजपा दे संभावित उम्मीदवारां तों लै के दावेदार तक उडीक विच ने। खबर मिली है कि पंजाब दीआं सारीआं सीटां नूं लै के दिल्ली विच दो बैठकां हो चुकियां ने, पर अंतिम फैसला नहीं हो सकिया। खबर मिल रही है कि पंजाब विच भाजपा कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पंजाब लोक कांग्रेस अते श्रोमणी अकाली दल संयुक्त ते लोक इंसाफ पार्टी दे नाल मिल के चोणां लड़ रही है। 63 सीटां ते भाजपा ने अपने उम्मीदवार चोण मैदान विच उतारे ने, जिन्हां विचों 23 सीटां उही ने जिथे पहला भी भाजपा अपने उम्मीदवार उतार दी रही है। गुरु की नगरी अमृतसर च उस समय दुखद घटना वापर गई जदों पतंग लुटदे समय ट्रांसफार्मर की लपेट विच आउण नाल 14 साला लड़के की मौत हो गई है। 14 साला लड़के की पछाण सरबजीत सिंह वजों हुई है। जानकारी के अनुसार सरबजीत सिंह अपने पिता की दुकान तो वापिस आउंदे समय कट्टी हुई पतंग लुटण की फिराक विच सी। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की लपेट विच आउण नाल उसकी मौके ते ही मौत हो गई। दूजे पासे इस घटना का पता लगदिया सार ही सरबजीत का पिता भी मौके ते पहुंच गया, पर उदों तक उसके लड़के की मौत हो चुकी सी। पंजाब चुंजता पहला भी दो बार विधानसभा चोणां मुलतवी हो चुकिया ने, पर इस बार चोणां की तारीख बदली जाना एक वड्डा घटना चक्कर है। चोणां की तरीक नूं लैके चोण कमिशन ने जो तब्दीली की उस पिछे एक वड्डा कारण है श्री गुरु रविदास जयंती, जिस कारण 14 फरवरी नूं पंजाब च होण वालियां चोणां 20 फरवरी ते पा दित्तियां गईआं ने। आखिर की कारण है कि चोण कमिशन तों लैके पंजाब दीआं सियासी पार्टियां तक सब चोणां तों पहलां रविदासिया समाज ते डोरे पा रहे ने। सब दे पिछे एक वड्डा कारण है जिसका पूरा दारमोदार पंजाब दे दलित समाज। कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी मिलके श्रोमणी अकाली दल नूं कमजोर करन च लग्गियां होईयां ने, पर पंजाब दे लोक चोणां च इन्हां पार्टियां नूं मुंह तोड़वां जवाब देणगे। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद च औरतां शांति ते सुरक्षा ते खुली बहस विच जनतक जीवन विच औरतां दी भागीदारी ते विश्व भर विच स्थाई शांति नूं उत्साहित करन लई उन्हां विरुद्ध हिंसा नूं खत्म करन ते जोर दित्ता। संयुक्त राष्ट्र विच भारत दे स्थाई प्रतिनिधि राजदूत TS त्रिमूर्ति ने शांति ते सुरक्षा प्रक्रियावां विच औरतां नूं निशाना बनाउण वाली हिंसा नूं संबोधन करदे होए राजनीतिक प्रक्रियावां ते फैसले लैण विच औरतां दी पूर्ण ते अर्थपूर्ण भागीदारी लई अपने मजबूत समर्थन नूं उजागर कीता। राष्ट्रीय राजधानी विच 50 साल पुरानी परंपरा बदल जाएगी, जिथे इंडिया गेट की पछाण बन चुकी अमर जवान ज्योति हुण राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ते जगेगी। जानकारी के अनुसार दोपहर 3:30 बजे इसकी लौ मशाल नूं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति च मलाया जाएगा। इस लई आयोजित समारोह की प्रधानगी एयर मार्शल बल पैदर राधा कृष्ण करनगे। दिल्ली के इंडिया गेट से पिछले 50 सालों तों जग रही अमर जवान ज्योति नूं अज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से बल रही लौ च मिलाया जा रहा है, जिसके बाद तो इंडिया गेट से शहीदों की याद च बलण वाली यह लौ हुण राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से ही जगेगी। दिल्ली महाराष्ट्र समेत कई सूबों च कोरोना के मामले घटने शुरू हो गए ने। दिल्ली विच भी इन्फेक्शन दर च काफ़ी गिरावट आई है, जिस तों बाद हुण दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राजधानी च लगिया कोरोना पाबंदियां हटाउण दा फैसला लिया। दिल्ली च लगाए गए वीकेंड करफ्यू नूं केजरीवाल सरकार ने हटाउण दा फैसला लिया। दिल्ली सरकार ने इसका प्रस्ताव उपराज्यपाल नूं भेज दिता है। खबर है कि बाजारों च दुकाना खोलण लई लागू ऑड ईवन सिस्टम नूं भी खत्म किया जाएगा। निजी दफ्तर 50% समर्था नाल खोले जाएंगे। सूत्रों मुताबिक दिल्ली च कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर केजरीवाल ने प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता दे प्रवेश प्रीख्या पीजी राखवें करन मामले च कहा कि कोटा मैरिट खिलाफ नहीं है ते इस नूं लैके केंद्र दा फैसला सही है। चोटी दी अदालत ने कहा कि प्रीख्यावां आर्थिक ते समाजिक लाभ नूं नहीं दर्शाउंदियां ने जो कि कुछ वर्गां नूं मिले, इसलिए योग्यता नूं समाजिक रूप विच प्रासंगिक बनाया जाणा चाहीदा। जस्टिस VI चंद्रचूड़ की प्रधानगी वाली बेंच ने मैडिकल सिलेबस विच पीजी क्लासां च दाखले नाल संबंधित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश प्रीख्या नीट PG दी मामले दी काउंसलिंग ते नामजदगी दी प्रक्रिया अगे वधाउण दी इजाजत देण दे संबंध विच विस्तारित हुकम पास करदे कहा कि राखवांकरण योग्यता दे उल्ट नहीं है। राजधानी दिल्ली विच कोरोना इन्फेक्शन दे वधदे मामले दरमियान आम जनता नूं वड्डी राहत मिली है। केजरीवाल सरकार ने कहा कि कोरोना टेस्ट दी कीमत घटा दित्ती गई है। हुण दिल्ली दे सारे हस्पतालां ते पैथोलॉजी लैब विच RT-PCR टेस्ट पहलां दी तुलना विच घट कीमत ते होवेगा। दिल्ली सरकार वल्लों जारी बयान च कहा गया कि हुण दिल्ली विच RT-PCR टेस्ट कराउण लई सिर्फ 300 रुपए देने पैणगे। पहलां इस टेस्ट लई राजधानी दिल्ली दे लोकां नूं 500 रुपए देने पैंदे सन। उत्थे होम कलैक्शन सैंपल लई RT-PCR टेस्ट दी कीमत 500 रुपए ही होवेगी। आस्ट्रेलिया दे सूबे क्यूंसलैंड विच अज 16,031 नवे COVID-19 केस दर्ज किए गए ते 13 होर मौतां होईयां ने। हालांकि राज ने वैक्सीन दी दूजी खुराक ते बूस्टर खुराक दे विचकार दी म्याद नूं घटा दित्ता है। प्रीमियर अनास्तासिया प्लास युक ने घोषणा की है कि सोमवार तो निवासी अपनी दूजी खुराक तो बाद 3 महीनों विचकार हुण अपनी बूस्टर खुराक हासिल कर सकते हैं। कदम राजभर विच COVID-19 की लाग नूं स्थिर करन ते मामले नाल जिठण की कोशिश विच चुकिया गया। अज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन विच भी शेयर बाजार विच भारी गिरावट देखने को मिली है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेसंक्स 650 अंक डिग के 58,809 ते आ गया। शेयर बाजार विच लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई है। इन चार दिनों विच सूचीबद्ध कंपनियां की मार्केट कैप विच 9 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। यह 280 लाख करोड़ रुपए से जो अज घट के 270.77 लाख करोड़ रुपए तक ही रह गया। पहले ही मिनट विच निवेशकों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए डुब गए ने। कर्मचारी भविख निधि संगठन ने नवंबर 2021 शुद्ध रूप नाल 13.95 लाख शेयर धारक जोड़े ने जो कि एक साल पहला ही इसे म्याद की तुलना च लगभग 38% वाधा है। निश्चित तनखा ते रखे गए कर्मचारियों के ताज़ा अंकड़ों तो यह जानकारी मिली है। EPFO के अस्थाई पैरोल अंकड़ों मुताबिक पिछले साल नवंबर में 13.95 लाख शेयर धारक जोड़े गए ने। अक्तूबर 2021 की तुलना में 2.85 लाख या 25.65% वाध ने। दुनिया का सब तो अमीर शख्स ते टेस्ला ते स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क भारत च अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करना चाहते हैं, पर कुछ परेशानियों के चलते जिदा कि संभव नहीं हो सके। इस दरमियान सैटेलाइट सेवा मुहैया कराने लई भारतीय एयरटेल ने एक बड़ी डील की है। दरअसल भारतीय समूह द्वारा समर्थित कंपनी वन बैथ ते सैटेलाइट सेवा देने वाली ह्यूजेज नैटवर्क सिस्टम्स विचाले एक करार होया। जिक्रयोग है कि यह वड्डे करार तहत भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने लई दोवां कंपनियां विचाले 6 सालों का समझौता किया गया। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होता है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दियो। धन्यवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज़।